इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं के साथ एक ऑल पार्टी मीटिंग जारी है। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, गृहमंत्री मौजूद हैं इस मीटिंग में। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने कह रहे हैं और एक एक करके सभी नेता इसके बाद अपनी अपनी बात बोलेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद को बोलने के लिए कहा जाएगा और जब सभी नेता अपनी बात कह चुके होंगे उसके बाद उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का गृहमंत्री अमित शाह जवाब देंगे। सारे सवालों के जवाब अमित शाह गृहमंत्री देंगे। राजनीतिक आरोप लगाए जाएं या शासन से जुड़े कोई सवाल हो इस पर भी स्पष्टीकरण गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा, न कि प्रधानमंत्री की तरफ से और न ही किसी अधिकारी की तरफ से। क्योंकि इस बैठक के अंदर आपको बता दें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के वो भी मौजूद हैं और भारत के होम सेक्रेटरी वो भी मौजूद होंगे और इन सब के बाद प्रधानमंत्री अपनी बात कहेंगे। वो सामने मौजूद नेताओं से बताना चाहेंगे कि उनकी सरकार की सोच क्या है कश्मीर के लिए, देश हित में जो फैसले लिए गए कश्मीर में, कश्मीर को कश्मीर का किस तरीके से देश के साथ एक इंटीग्रेशन किया जाए उसको लेकर के क्या काम हो रहा है, वहां क्या विकास के काम हो रहे हैं, ये सारी बातें अंत में प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं, राउफ भट्ट पीडीपी के नेता हैं। राउफ साहब स्वागत है आपका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है जी, स्वागत है आपका। और सुहेल काजमी साहब हमारे साथ हैं, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। काजमी साहब आपका भी स्वागत है, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक भी साफ साफ जा रही होगी। तो भट्ट साहब आपकी नेता जो है वो मीटिंग के अंदर मौजूद है, उनका मौका जब आएगा बोलने का अपनी बात कहेंगे। उससे पहले अगर आप कुछ हमें अंदाजा दे सकें कि पीडीपी को अगर प्रधानमंत्री के सामने जाकर के अपनी बात कहनी हो तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए हमने तो हमारी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो लोग है, लोगों के जो डिमांड्स है, जो लोगों के फीलिंग्स है, हम जो लोगों की जो जो जो, जो लोग यहाँ चाहते हैं कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई है, जो लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है वो हम सारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेगी मैडम। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी मुद्दे हो लोगों के मुद्दे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे जाए। देखिए आपकी पार्टी सबसे ज्यादा जोर से जब 370 हटाई गई उसकी मुखालफत करने वाली पार्टी थी, तो मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, देखिए दो तीन ही बड़ी बातें, 370 35 ए या राज्य का चुनाव कराना हो या उसको फुल स्टेटहुड देना हो, तो क्या ये सारी बातें कही जाएंगी? 370 की बात भी उठाई जाएगी? देखिए बिल्कुल बिल्कुल कही जाएगी। हमने तो पहले दिन से ही ये कहा है कि जिस कानून को लगाने के लिए आप लोगों को तीन प्राइम मिनिस्टर तीन चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना पड़ा, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना पड़ा, एमएलसी एमएलए साहिबान को अरेस्ट करना पड़ा, पूरे कश्मीर के लोगों को आपने एक साल जो है कर्फ्यू में रखा, तो वो कानून तो लोगों के लिए, लोगों के हित में बनते हैं, लोगों के फायदे के लिए बनते हैं। यहाँ तो जोर जबरदस्ती है, ये तो इलीगल था, क्योंकि ये तो करना था, अगर यहाँ से स्पेशल स्टेटस को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था ये फैसला हमारी असेंबली करती, ये हमारे अभी इस वक्त साहब जो आप बात कह रहे हैं ना, अभी थोड़ी टेक्निकल सी और कानूनी बात है, इसका जवाब ना पूरी तरह आपके पास है ना मेरे पास, क्योंकि पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं इससे अलग बात कर रहा हूँ कि आज की इस बैठक से निकलेगा क्या, हम निष्कर्ष जानना चाहते हैं इसका, मैं चर्चा में लाना चाहता हूं अब सुहेल काजमी साहब को। काजमी साहब सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री के लेवल पर यह पहल हो कि हम कश्मीर के सारे नेताओं से मिलकर के बात करना चाहते हैं, तो इसको क्या कश्मीर में एक पॉजिटिव तरीके से एक सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है? आपको आवाज मिल रही है मेरी सुहेल साहब? सुहेल काजमी जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा मैं उनके पास जाऊंगा। ठीक है फिर मैं यही सवाल लेकर के भट्ट साहब आपके पास दोबारा आ रहा हूं। कम से कम एक पहल तो हुई है, आपने जो बताया आपका अपना सेंटिमेंट है, आपको लगता है कि बहुत से लोगों का सेंटिमेंट है, लेकिन कम से कम एक डायलॉग शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री के लेवल पर शुरू हो रहा है, इसको कम से कम एक पॉजिटिव तरीके से तो देखा जाएगा? बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से हम देख रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से और हमने पहले इसका वेलकम किया है और यहाँ के लोग बड़ी उम्मीदें वाबस्ता बैठे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो ये मीटिंग हो रही है उससे जो है
हम चाहते हैं कि जो दूरियां बड़ी है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान वो कम हो और लोगों के जो मसाइल है वो हल हो। जितने भी लोगों के जो दुख हैं उन्हें मरहम लगाने की जरूरत है और हमारी एक ही डिमांड है कि हम इज्जत से जीना चाहते हैं, सर उठा के जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जो खून खराबा बंद हो, यहाँ जो ये रोज मारा मारी होती है इस चीज को बंद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सतह पे बातचीत हो ताकि ये मसला वंस पर ऑल हल हो। देखें जो बात आपने अंत में कही कि मसला वंस पर ऑल हल हो, जो काम पार्लियामेंट में किया गया 370-35 को लेकर के केंद्र ने अपनी इसी नियत से किया कि इस मसले को एक बार के लिए हम खत्म करें और देश के हर राज्य की तरह वही दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाए। मैं अब कोशिश कर रहा हूं दोबारा सुहेल काजमी साहब के पास जाने की। सुहेल साहब मुझे सुन रहे हैं आप? जी सर। जी जनाब। जी जी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था इस आज की इस मीटिंग को लेकर के, अगर हम ये समझना चाहें कश्मीर से बाहर जो हम लोग रह रहे हैं कि एक आम कश्मीरी क्या उम्मीदें लगा रहा होगा। देखिए जी, पहले तो ये 14 के 14 लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का और प्राइम मिनिस्टर का कि एक बिल्कुल चुपी छादी हुई थी दोनों सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस के बीच में, उसका आज वेलकम स्टेप है ये। और ये 14 के 14 लोग रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं रियासत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। और एक पेशरफ्त जो है मुझे लगता है आज की मीटिंग के बाद जो आने वाले दिनों में है इलेक्शंस को लेके, डिलिमिटेशन को लेके और एक अच्छी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की जहां तक बात है उसकी पेशरफ्त आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है, तो ये वेलकम स्टेप है। और जो आवाम है वो यही चाहती है कि किसी तरह हम इस मुसीबत से बाहर निकलें, इन जो मुसीबत हमारे पे पड़ी है पिछले 70 साल से उनसे बाहर निकलें, एक डेवलपमेंट, एक अच्छा जमहूरी निज़ाम जम्मू कश्मीर की रियासत में, बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह हम भी फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी की तरफ आगे बढ़े। आपने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के आवाम ये चाहती कि डेवलपमेंट हो, अभी यहाँ भट्ट साहब बैठे हैं, भट्ट साहब तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ पहले था वैसा का वैसा बहाल किया जाना चाहिए। तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे सुहेल काजमी जी कि 2019 में जो हुआ अगस्त में, क्या उसको आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है कश्मीर में? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टेटस होता है स्पेशल स्टेटस, उसको रीजनल पार्टीज का काम होता है उसका रख रखाव और उसका संभाल के रखना। और एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने नहीं देखा कि आर्टिकल 370-35A ऑन ग्राउंड कहीं दिखा भी। वो तो उसका रीजन तो बख्शी गुलाम अहमद साहब 73 के टाइम पे नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर यहाँ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर बनना शुरू हो गए और उन कमीशन का, और आज भी यहाँ 25-28% लोग 4 अगस्त 2019 से पहले भी यहाँ बस चुके थे, यहाँ जमीनें जो हैं आपने पहले ही लीज पे दे चुकी थी। तो एक्यूज मत कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या बीजेपी को, बीजेपी का तो मौकफ था ही था जब वो सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 हटाएंगे जी। लेकिन ये सिर्फ दिखावे का आर्टिकल 370 था, रेस्ट नथिंग वाज देयर, इट वाज अ पॉलिटिकल गिमिक। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस मीटिंग के हवाले से भी जो खबरें आ रही है, हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।